जय श्री राम मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे आप सभी, स्वागत करना एक और न्यू व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आप लोग को लेके सुहागी, यहाँ पे बनाई जा रही है माँ वैष्णो देवी की गुफा, जहाँ पे आप लोगों को माँ वैष्णो देवी, बाबा भोलेनाथ और श्री बाबा भैरव देव के दर्शन मिलेंगे, साथ में हमारी दुर्गा माता के दर्शन मिलेंगे। आप लोग भीड़ देख सकते हैं, अगल बगल बहुत ज्यादा आ रही है, हर तरफ गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं। तो यहाँ की एंट्रेंस जो है वो ये है, और आप लोग देखिए इस तरफ आधारताल पड़ता है और इस तरफ महाराजपुर पड़ता है, यहाँ पे है ये जगह। तो आइए अब आप लोग को दिखा दिया, अंदर चलते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है अभी जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, और सामने की तरफ जो मंदिर है यहीं पे बनाई गई है। तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अंदर। तो देखो यहाँ से एंट्रेंस है, ये लाइन लगी है, महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। तो अभी मैं भी लाइन में लगा हूँ और देखो लाइन चल पड़ी है। चलो फटाफट आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो पहले माताओं की लाइन जा रही है, उसके बाद फिर पुरुषों की जा रही है, एक साथ दोनों को नहीं भेजा जा रहा है, अलग अलग भेजा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारी बारी है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है ये, और सबसे पहले हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा, बहुत सही लग रहा है अंदर आने पे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के ये सब बनाए गए हैं, यहाँ टोकनी ओकनी लगाई गई है। ओ भाई, मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ पहले भी, लेकिन उतने टाइम चालू नहीं था, ये उतने टाइम बन रहा था, तो मैं देख के ज़रूर गया था, मेरे को आइडिया है। आप लोग देखिए, इन्जॉय करिए किस तरीके से। तो काफ़ी लंबा एक सफ़र तय करने के बाद अपन पहुँचते हैं यहाँ पे, जहाँ पे चरण पादुका रखी गई है, माता जी हैं स्थापित हैं। फिर आप सीसीटीवी कैमरे में भी हैं, निगरानी में हैं, तो ये भी बताया गया यहाँ पे। और आप लोग अंदर की तरफ चलते चलिए, डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया गया है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये यहाँ पर पहुँच गए, देखिए पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग सही रखा गया है, बहुत सकरी जगह है ना, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए देखो अब हम लोग मेल्स जा रहे हैं, फीमेल्स पहले से निकल चुकी हैं उस तरफ, बाकी अपन चलते चल रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कौन सी माता जी के दर्शन होने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें महादेव के दर्शन हो गए हैं, जय भोलेनाथ। अब यहाँ पे चलते हैं अपन आगे, ये लिखा है गुप्त महादेव। तो शिव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और इस जगह पे, अरे अच्छा, हम हमें माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो ये है माता जी, बहुत ही खूबसूरत हैं, ये हमारी सुहागी की महारानी के नाम से फेमस है। जय माता दी, जय माता दी। ये मैंने आप लोग को दर्शन करा दिए माता जी के, अब इसके बाद आगे अपन चलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एग्जिट आ गया है माता जी के दर्शन करने के बाद, हम लोग आ चुके हैं अब बाहर की तरफ, यहाँ मिल जाएगा हमको प्रसाद। जय माता दी, ये प्रसाद मिल गया। और यहाँ पे हमें मिल गए हैं भैरव बाबा, ये देखिए दर्शन करिए भैरव बाबा जी के। अभी हम आ चुके हैं बाहर, ये दुर्गा माता जी का मंदिर है। तो इस प्रकार का कुछ डेकोरेशन था, कुछ ये थीम थी यहाँ की। तो मैं आप लोगों को बाहर से एक ओवरव्यू देता हूँ, वहाँ पे महिला और पुरुषों की लाइन है, वहाँ से एंट्री की है हम लोगों ने अभी, और ऐसे अंदर ही अंदर त्रिकुट जो पर्वत है यहाँ से अंदर अंदर हम लोग चल के और इस तरफ से बाहर आए। काफी सुंदर बनाया गया है, यहाँ पे भोले जी को भी स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे मेन रोड है, ये जस्ट दुर्गा जी का मंदिर है, उसी के बगल में बनाया गया है। तो आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पे और दर्शन करिएगा, और यहाँ पे आके इनके थीम का आनंद लीजिएगा। ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया सुहागी की महारानी कहे जाने वाली दुर्गा जी के। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग, मुझे कॉमेंट बनाना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है। मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय माता दी।